हो प्रभु जिन शासन का भाल है, हो प्रभु जिन शासन का भाल है, हो प्रभु वीर हमारी शान है। तालियों के साथ मीठा मीठा गाएंगे गुनगुनाएंगे, 1 2 3 4 वीर जन्मे महावीर जन्मे जवान शिलानंदन वीर जन्मे, वीर जन्मे महावीर जन्मे शिलानंदन वीर जन्मे। प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु वीर हमारे शान है। वीर जन्मे महावीर जन्मे शिलानंदन वीर जन्मे, वीर जन्मे महावीर जन्मे शिलानंदन वीर जन्मे। बोलिए महावीर भगवान की। कुल जन्मा है प्यारा, धरती गगन खुशहाल हुआ सारा, क्षत्रिय कुंड जन्मा चंदा प्यारा, सिद्धार्थ का था कुल उजियारा, माँ कृष्णा की आंखों का तारा। वर्धमान है वो महान है, वर्धमान है वो महान है, ओ प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु जिन शासन का भाल है, प्रभु वीर हमारी शान है। वीर जन्मे महावीर जन्मे शिलानंदन वीर जन्मे, वीर जन्मे महावीर जन्मे शिलानंदन वीर जन्मे। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए माता कृष्णा की जय हो। आनंद भाव सभी को कहूंगी, मीठो मीठो बोल थारू गाय लागे, गाय लागे थारू गाय लागे, तो मीठो मीठो बोल थारू गाय लागे, गाय लागे थारू गाय लागे। संसार कोई संसार कोई रोघर नहीं, कत निकले प्राण खबर नहीं, मिठो 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 तो मिठो मिठो बोल थारो गाई लागे, गाई लागे रे थारो गाई लागे, मिठो मिठो बोल थारो गाई लागे, गाई लागे रे थारो गाई लागे। बोलिए मीठा मीठा मिठो मिठो बोल थारो गाई लागे, गाई लागे के साथ।
मन हर शाया। सभी लोग प्रभु का पावन जन्म दिवस आया, देने बधाई तन मन हर शाया। प्रभु ने करुणा से जग सरसाया, जित देखो तित है प्रभु की। महावीर के जन्म की खुशी है तो बैठना मत लीजिए, खड़े हो जाइए। चलिए अभी आपके दोस्तों की शादी हो ना, और घर में अगर बच्चे का जन्म हो, अगर दोस्तों की शादी और घर में बच्चों का जन्म हो तो कोई कहता भी नहीं कि आइए और नृत्य करिए। देखिए मैं आपको बताऊंगी, भक्ति करने में आप सभी रावण को जानते होंगे, सभी ने रावण का नाम सुना होगा। आने वाली 24 में यहाँ पर क्या दिक्कत है, इतनी तेज तेज बीट बजती है, यानी जयपुर में म्यूजिक कम बजता है, गाने वाले की आवाज ताकि समझ में आए जो हम कहना चाह रहे हैं। सिर्फ भक्ति में आने का मतलब नहीं है धम 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 बजे जा रहा और सुने जा रहे हैं, समझ नहीं है क्या बोला। तो रावण का नाम आपने सुना होगा, आने वाली 24 में रावण तीर्थंकर बनने वाले, सभी को पता होगा। और तीर्थंकर क्यों बनने वाले ये पता है किसी को? पता तीर्थंकर क्यों बनने वाले? हाँ बोलिए, भक्ति की। क्या भक्ति की? कोई कहानी जानता है? कहते हैं कि रावण रोज अष्टापद तीर्थ पर प्रभु की भक्ति करने जाते थे, और रावण के लिए, रावण में सिर्फ एक ही दोष था कि उसने पराई स्त्री पर अपनी नजर डाली थी, उसके अलावा उसमें सारे गुण थे। वो इतना अच्छा वीणा वादक था, उसके जैसी वीणा दुनिया में कोई नहीं बजा सकता था। तो जब वो प्रभु की भक्ति करने मंदोदरी और रावण जब ऊपर जाते थे अष्टापद पर्वत पर, तो एक बार जब प्रभु की भक्ति चल रही होती है और वीणा का तार टूट जाता है, तो उस समय रावण अपनी जंगा जिसको थाए कहते हैं वहां से नस निकालता है और उस वीणा में लगाता है कि भगवान की भक्ति में खलल ना पड़े। तो ऐसी भक्ति, तो भक्ति कर तो ऐसी कर, तू क्या प्रभु से मिलने जाए, भक्ति कर तो ऐसी कर, प्रभु स्वयं तुझसे मिलने आए। तो ऐसी भक्ति। और हम भैरू जी को भी यहाँ पर ध्याएंगे थोड़ी देर में, भैरू जी के तो भोपे बहुत होंगे यहाँ पर, है ना, नाकोड़ा भैरू जी, तो उसका भी हम गुणगान करेंगे। लेकिन आइए वीर जन्म की मेरे प्रभु का। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, जन्म हुआ है प्रभु का, जन्म हुआ है, सभी लोग जन्म हुआ है प्रभु का जन्म। देखिए अभी थोड़ी देर में गरबा आता है, गरबा तो यहाँ पर वैसे लोग बहुत कम है, एक बार सभी लोग गोला बना दीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सभी लोग, जवान लोग खड़े हो जाइए, जो अपने आप को जवान समझता खड़े हो जाए, अंकल आप तो खुद ही जवान है अभी तक, खड़े हो जाइए, आनंद लेते हैं ना। चलिए एक गोला बनाइए। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, क्या जन्म हुआ है प्रभु का, जन्म हुआ है, सभी लोग जन्म हुआ है प्रभु का, जन्म हुआ है। मातृशिला की कोख से अवतार लिया है, मातृशिला हुआ है प्रभु का, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है प्रभु का, जन्म, आनंद
जन्म हुआ है प्रभु का। देखिए सिर्फ इतनी सी बात आज खुश करने के लिए बहुत है कि क्या हुआ है, जन्म हुआ है प्रभु का। मासा गा लो आपका घर में पोतो आज से मावी भगवान जान, जन्म हुआ है प्रभु का। पालना जी की बहुत लोग अपने घर में पालना ले जाते ताकि उनके घर में क्या हो, पुत्र रत्नी की प्राप्ति हो। जन्म हुआ है प्रभु का। माँ त्रिशला की कोख से अवतार लिया है, माँ त्रिशला की कोख से अवतार लिया है। जन्म हुआ प्रभु का, कुंडल ग्राम धरती को धन्य
यहाँ से जाते जाते आज अचल गच्छ परंपरा में प्रभु महावीर स्वामी का पल्ला जी चढ़ावा हुआ था, शायद मुझे पता चला अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर खुश होने के लिए इतना ही बहुत है कि आज क्या हुआ है, मेरे तीन लोक के नाथ प्रभु परमात्मा का जन्म हुआ है। एक बार मुस्कुराते हुए ना, कहते हैं कि हंसने की कला, कहते हैं हंसने की कला भगवान ने केवल और केवल मनुष्यों को दी है। क्या कभी किसी ने गधे को हंसते हुए देखा? गधा तो देखा ही होगा। कभी किसी ने गधे को हंसता हुआ देखा? किसी दिन देख लो तो समझ लेना कि वो इंसान बनने वाला है। और किसी दिन किसी व्यक्ति को समझ लेना कि वो, तो अब देख लो पर चुनाव आपका कि क्या बनना है। तो मुस्कुराते हुए जन्म हुआ है प्रभु का, जन्म हुआ है प्रभु का। मैंने पहले ही कहा था कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो इसीलिए आदत है सबको साथ में लेके चलने की। माँ त्रिशला की कोख से अवतार लिया। हमारे जैन समाज में माता त्रिशला को उतना ही याद किया जाता है जितना महावीर को याद किया, क्योंकि एक ही ऐसे भगवान है जिनके लिए कहा जाता है त्रिशला नंदन। जय बोलो। उसके अलावा किसी भी माँ का नाम भगवान के साथ नहीं जुड़ता है। सही तो ऐसी माँ त्रिशला तू कितनी सुंदर है। माँ त्रिशला का गुणगान क्योंकि वो है, हे माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, तेरे ही दम से ये संसार बना है, तू ही पूजा मन्नत है मेरी और तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। माँ त्रिशला है इसीलिए प्रभु वीर है। तो आइए गुणगान करते हैं माँ का। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो माँ के बिना इस दुनिया में आया है। तो चलिए तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी ओ गाएंगे सभी लोग अपने अपने माता पिता भगवान के लिए। ओ माँ क्या बात आज वाले के साथ जब देखे तेरी सूर, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों के दीवारों पर ये नाम तेरा लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का